अस्सलामु अलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड हेल्थ। आज मैं आपके साथ बेहद चटपटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आम का अचार की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बेहद आसानी से हम बनाएंगे। और अगर हमारे पास सनलाइट नहीं भी अवेलेबल है, तब भी हम इस अचार को बना सकते हैं और ये बिना ख़राब हुए बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो मैं आपसे इसी रेसिपी को शेयर करूँगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए आम का अचार बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 3 किलो कच्चे आम ले लिए हैं। इनको बहुत अच्छे से मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगोया था, इनको वॉश किया था, उसके बाद इनको ड्राई किया था, और इनको बहुत अच्छे से सुखाने के बाद, पोंछने के बाद हम इनकी करेंगे क्लीनिंग। इसके लिए जो टॉप वाला पार्ट होता है वो हटा देना है, और उसके अलावा कहीं भी कोई भी अगर पैच आपको नज़र आता है उस पर, कच्चे आम पे, कैरी पे, तो आप उसे भी हटा दीजिए, क्योंकि इससे अचार के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं साथ के साथ आपको वो टिप्स भी बताते जाऊँगी जो फॉलो करने ज़रूरी हैं, जिससे हमारा अचार लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सकता है। इस तरह से अब हमारे पास वो मशीन अगर है जिससे इसको गुठली के साथ कट कर लेते हैं तो हम वैसे कट कर सकते हैं, नहीं तो हम इस तरह से बड़ी आसानी से इसको नाइफ़ की हेल्प से गुठली को बचाते हुए सारा हम इसका पल्प निकाल लेंगे और इस तरह से हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो नॉर्मली जो रेडीमेड अचार आता है उसमें भी आपने देखा होगा इस तरह से छोटे छोटे पीसेस डले होते हैं, और ये बहुत खाने में आसान रहता है और वेस्टेज नहीं होती है। जैसे हमें बहुत थोड़ा सा अचार चाहिए तो हम उतना ही खाने के टाइम पर निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पीसेस में मैंने सारी कैरी को कट कर लिया है। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट इसमें सॉल्ट से और हल्दी से। तो बहुत अच्छे से मैं 4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और 3 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। इतना डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो आप कोई सूखा हुआ स्पैचुला या कोई स्पून ले सकते हैं, उसकी हेल्प से इसको हिला लें, नहीं तो ये बेहतर तरीका है, खुला सा बर्तन लें और उससे इस तरह से इसको उछालते हुए मिक्स कर लें। जब नीचे से आप देखेंगे तो ये वाइट वाइट निकली हैं, तो इसमें मैंने अब 2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हल्दी और ऐड कर दिया। तो टोटल 6 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है और 5 टीस्पून इसमें हल्दी डाली है। हल्दी और नमक बहुत अच्छे से डाल के मिक्स करके इसको ओवरनाइट छोड़ दिया है। ये गुठलियाँ हमने साइड कर ली हैं, इससे हम इसकी खट्टी मीठी एक सब्ज़ी बनती है उसे बना लेंगे। आगे मैं उसकी रेसिपी भी अपलोड करूँगी। अब ये देखिए नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ, कम से कम 18 घंटे के बाद ये इस तरह से कुछ हो जाएंगी, बहुत सारा पानी इससे रिलीज़ हो जाएगा। और ये मैंने बीच बीच में एक दो बार चला भी दिया था इस कैरी को, और बहुत अच्छे से जो कैरी का ही जूस है वो बाहर निकल आ गया है, और इसमें पानी है, इसमें हल्दी है, कैरी का ही पानी है ये, हल्दी है और नमक है। तो इसको हमें प्रिजर्व करना है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये अचार में यूज़ होगा। उसके बाद ये सारी कैरी हमने निकाल ली है एक छन्ने में और थोड़ा सा इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। इतने कैरी का पानी जो है निकल जाता है, इतने हम कर लेते हैं मसाले की प्रिपरेशन। मसाले के लिए मैंने 100 ग्राम्स ये पीली सरसों लिए हैं और 100 ग्राम्स ही मैंने सौंफ ली है। आप चाहें तो 75 ग्राम्स भी ले सकते हैं। ये दोनों मसाले अचार के मसाले का बेस होते हैं, तो इसलिए इसको हमें सबसे ज़्यादा लेना होता है। उसके बाद मैंने 2.5 टेबल स्पून सूखा ये धनिया लिया है, साबुत धनिया, और उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून ये मेथी दाना लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है कलौंजी। ये सारे मसाले इस तरह से निकाल लें। उसके बाद अब इसमें कुछ और मसाले जाएंगे, वो इस तरह से हैं। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून जाएगी काली मिर्च, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाला है अचार में, तो ये ज़रूर डालें। 1 to 1.5 टीस्पून काफ़ी रहती है काली मिर्च। और उसके अलावा इसमें अभी कुछ नहीं जाएगा, ये सभी मसाले मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। मुझे मसाला अचार में ज़्यादा रखना है, इसलिए मैंने सौंफ और ये पीली वाली जो राई है वो 100 ग्राम्स ली है। इसके बाद हमें इसको सेपरेटली रोस्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने राई दाना जो है ये पीला वाला, इसको रोस्ट किया है, और इसके बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस हमारा रोस्ट करने का पर्पज़ ये है कि हमें जब हम इसको पीसेंगे तो ये इजीली पिस जाएगा, और क्योंकि थोड़ा सा रेनी सीजन में इसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो उसकी वजह से बस हमें उसको सुखाना है। आप चाहें तो इन सारे मसालों को टाइम से धूप में भी रख सकते हैं, उससे भी ये काम हो जाएगा। तो पहले मैंने राई दाने को, पीले वाले राई दाने को अच्छे से भून लिया है, और इतना गर्म करना है इसको कि आप हाथ से छू सकें, इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो इसके फ्लेवर्स चेंज हो जाएंगे मसाले के। अब सौंफ, धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, वो मैंने अलग एक तरफ
रोस्ट करके रख ली है और मेथी दाना और कलौंजी को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले मैंने, जब ठंडी हो गई है, ये मैंने सबसे पहले इसको भुना था। तो ये है हमारी पीली राई, इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको फाइन नहीं करना है। और इस तरह से हम इसको सबसे पहले एक बॉल में निकाल लेंगे। फिर ये सौंफ, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, इन सबको भी हम थोड़ा सा पीसेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी बारीक पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा कोर्स भी नहीं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा रखते हैं मसाला तो ये तेल में फूलने के बाद और मोटा हो जाता है। तो इसको इस तरह से पीस लें, ज़्यादा पाउडर भी ना बनाएं और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखें। और ये मैंने मेथी और कलौंजी को भी बस एक राउंड लगाया, बहुत हल्का दरदरा सा इसको पीस लिया है। उसके बाद 2 बड़ी चम्मच भर के मैंने इसमें काली वाली जो सरसों होती है वो डाल दी है। ये मैंने 2 टीस्पून भर के इसमें डाल दिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, या फिर नॉर्मल चिली पाउडर आप डालें। और इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स, ये इससे बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट और ऐड कर दिया है, वाइट वाला, और 2 टीस्पून जाएगा इसमें ब्लैक सॉल्ट। ये सारे स्पाइसेस इसमें डालने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम डाल दी है इसमें हींग, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देती है, और 1 टीस्पून अजवाइन। इसके बाद ये सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि अच्छे से सारे स्पाइसेस एक साथ मिक्स हो जाएं और एकदम इक्वली सारे मसाले आपस में मिल जाएं। इसके बाद ये मसाला तैयार करके मैं साइड रख देती हूँ। इधर कैरी जो है वो सूख गई है, उसका पानी काफ़ी हद तक झड़ गया है। अब धूप में इसको मैंने 3 घंटे के लिए इस तरह से सुखा दिया है। इसको इस तरह से ही सुखाना है, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो नीचे और वाइट वाला पार्ट ऊपर। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप इसको फ़ैन में ओवरनाइट सुखा लें। इसके बाद ऑयल गरम किया है मैंने, और इसको गरम करने के बाद ठंडा कर लेना है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक यानी हल्दी और 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको साइड रख देंगे। ये हमारा ऑयल प्रिपेयर हो गया है अचार के लिए। इस तरह से ऑयल प्रिपेयर करने से अचार पे हमारे बहुत अच्छा कलर आता है। ये देखिए हमारी कैरी भी एकदम सूख गई है और बहुत अच्छे से तैयार है। अगर हम इसको ज़्यादा सुखा लेते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमें बेसिकली ऊपर का सारा मॉइस्चर इसका सुखा देना है। अब ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा था, इसको हम इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पहले सूखा ही मसाला अच्छे से मिक्स करें, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें जो हमने पानी फ्रिज में रखा था कैरी से निकला हुआ, हल्दी और नमक का, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये पानी ज़रूर ऐड करें, इससे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत अच्छे से गल जाते हैं, और अचार में बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले मैंने ये कैरी वाला पानी मिला दिया है और इसके साथ अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया है। जब बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, सारे मसाले एकदम अच्छे से मिल जाएंगे, तब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं अचार पे बिल्कुल अच्छे से रंगत आनी शुरू हो गई है और हमें अचार अपना बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। अब ये देखिए मैंने आधा तेल ऐड कर दिया है और आधा तेल बचा लिया है। इसके बाद इसकी फिर से मिक्सिंग करेंगे अच्छे से, और हम यहाँ पे इसका सॉल्ट टेस्ट करके देखेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट हल्का सा तेज़ ही रखते हैं, जो टेस्ट से, ताकि अचार हमारा ख़राब ना हो। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून बस मुझे कम लगा वो ऐड कर दिया है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। और अपने अचार को प्रिजर्व करने के लिए मैंने इसमें 2 टीस्पून वाइट वाला सिरका भी ऐड कर दिया है, इससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है, अब हम करेंगे इनको जार में ट्रांसफ़र। उसके लिए आप बिल्कुल धो के सुखा के सनलाइट में जार को प्रिपेयर कर लें, और ये जो ऑयल हमने बचाया था उससे अच्छे से अपने जार्स को कोट कर लें, और थोड़ा सा ऑयल बेस में भी डाल दें। इससे हमारे अचार में बहुत अच्छी कोटिंग आती है, और हमें ऊपर से जब हम ऑयल डालते हैं तो मसाला नीचे की तरफ नहीं बैठता है। तो इस तरह से ज़रूर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, और फिर उसके बाद हम अचार को इसमें इस तरह से डाल देंगे। सारे अचार को इस तरह से ट्रांसफ़र करें, और जो भी स्पून आप यूज़ कर रहे हैं वो भी एकदम ड्राई होना चाहिए। तो ये मैंने एक बड़ा जार है 1 लीटर का, और 2 छोटे जार हैं 1/2 लीटर के, ये बिल्कुल अच्छे से फिल हो गए हैं इतनी क्वांटिटी से। उसके बाद ये मैंने अभी लाइटली इसको फिल किया था, तो बीच में थोड़ा सा गैप था, थोड़ा प्रेस कर दें अचार को नीचे की तरफ और इसे अच्छे से फिल कर दें। अब लास्ट में जो ऑयल हमने बचाया था ऊपर से, इसको इस तरह से डाल दें।
तो ये बेहतरीन चटपटा और खट्टा हमारा अचार तैयार है, बिल्कुल घर का और बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक। तो इस तरह से आप अचार एक बार ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को फॉलो करके और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो ये अचार इतना खुशबूदार है, इतना बेहतरीन है कि बस बनने के बाद ही फौरन पूरा किचन में इसकी बहुत बेहतरीन सी खुशबू आने लग गई है। मैंने इसका अब लिड लगा देना है, ऊपर से थोड़ा कपड़ा मैं इस पे बाद में लगाऊंगी, कपड़ा भी लगेगा। और लिड को क्लोजली टाइट नहीं करना है, लाइटली इसको हम बंद करेंगे और उसके बाद एक दो दिन धूप लगाएंगे और फिर इसके बाद हम अपने किचन में इसको एज इट इज़ स्टोर कर लेंगे। अगर धूप नहीं है तो आप ना लगाएं, इसको ऐसे ही रख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।